आज के पूजा समाप्त करने के बाद कल से हम लोग काम शुरू करेंगे। सो वी आर वेरी एक्साइटेड और काफ़ी प्रीसियस प्रोजेक्ट है हमारे लिए। सो होपफुली सब अच्छे से होगा और हम लोग आपको डेली का डेली अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक बी विद अस, थैंक यू। बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो हम लोग मिलकर करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सक्सेसफुली और बिना किसी हर्डल, बिना किसी ऑब्स्टिकल के हम ये काम कर पाएंगे और एक ऑर्डिनेट के लिए और साथ में शायद मेरे लिए भी एक अच्छी उपलब्धि होगी प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद। थैंक यू सो मच सर। सर आप अपने? मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि ऑर्नेट कंपनी से आज मेरे यहाँ सोलर का काम चालू होने जा रहा है, पूजा का कार्यक्रम पूरा हो गया है और एक फर्स्ट टाइम मैं भी अपने यहाँ देखूँगा कि विदाउट सीटिंग कैसे करके सोलर पे काम करते हैं। तो ऊपर वाले से यही करता हूँ कि सब काम बहुत अच्छे से और टाइमली निपटे। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीबॉडी, आज हमने पूजा चालू कर दी है, डे वन वी हैव स्टार्टेड, सारा मटेरियल आ गया है, कल से हम लोग लिफ्टिंग शुरू करेंगे, आज प्लानिंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस, हम चाहते हैं कि आपके विशेस हमारे साथ रहे और हम लोग बिना किसी हर्डल के साथ इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है और डिज़ाइन तो मतलब हमने काफ़ी देर से बना रहे थे, एक दो महीने से, लेकिन उस डिज़ाइन को मतलब एक्चुअल में देखते हुए एक अमेजिंग फीलिंग आ रही है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, अमेजिंग फीलिंग। थैंक यू मेजबान, बहुत खुशी है कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रहा है और कोशिश करेंगे कि हम बहुत मतलब बढ़िया से इसको कम्प्लीट कर पाए और सही टाइम पर कर पाए। आप लोग हमारे साथ रहिए, आप लोगों की दुआएँ और हमारी हिम्मत काम। बेसिकली आज हमारा फर्स्ट डे है, एक प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है, बहुत ही प्रीसियस प्रोजेक्ट है और इंडिया का पहला इनरूफ प्रोजेक्ट है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि हम किसी भी इंडस्ट्रियल सेट्स पे क्या करेंगे, हम सीट को नहीं लगाएंगे। जो लोग क्या करते थे अभी तक, जो सीट लगाते थे उसके नीचे इंडस्ट्रीज़ में वो अपने प्रोडक्ट को, लेट्स से कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, क्या करती थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अंडर सीट वाले रूफ के लगाते थे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर इंस्टॉलिंग इनरूफ स्ट्रक्चर्स, लाइक कि हम क्या करेंगे सीट नहीं लगाएंगे, पीवी स्ट्रक्चर्स के ऊपर वी डायरेक्टली पुट सोलर पैनल्स। सो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कार्बन इमिशन है हमारी, सो कार्बन इमिशन को हम रोक पाएंगे एंड एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि जो सीट्स होती हैं वो क्या होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाती हैं। सो उस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट पे हमने जस्ट वी वॉन ए प्रोजेक्ट, 800 किलोवाट का एक हमें प्रोजेक्ट मिला है, जो प्रोजेक्ट हम बीएल एग्रो बरेली में इंस्टॉल कर रहे हैं। सो आज हमारा वो पहला दिन था, उसके बाद हमने प्लान किया कि हमें कैसे कैसे काम करना है। सो प्लानिंग के साथ हमने जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो चीज़ लोकली परचेज करनी थी, वी परचेज लोकली फ्रॉम बरेली ओनली। एंड उसके बाद हमने कल के प्लानिंग के लिए, जैसे हमें मटेरियल अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए क्रेन कहाँ से मिलेगी, हमें और भी लेबर्स चाहिए थी तो वो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हमने सारी चीज़ों की प्लानिंग कर ली है। सो होप्स हो कि कल हम फुल फ्लैश में काम शुरू कर देंगे। आज के दिन में जो कुछ चैलेंजेस हम लोगों ने देखे वो ये थे कि हमारा जो अभी हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 16-17 मीटर हाइट पे है। 16-17 मीटर हाइट पे काम करना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट हाँ ठीक है, इट्स अ लर्निंग कि आगे बढ़ना है, कुछ आगे और अच्छा करना है तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, इट्स गुड। तो अभी हमने शुरू भी कर दिया है, हमने आज कुछ वॉकवेज को लेके अपलिफ्ट करके हमने सेट के ऊपर भी रख दिया है। सो वी आर प्लानिंग कि हमारे पास कल एम पर्लिंस आ जाएंगी, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक्सपेक्टेड था कि आज हमको मिल जाएगा वो, बट ड्यू टू सम रीजंस वो हमें आज नहीं आ पाया हमारी साइड पे। होपफुली आज इवनिंग या मे बी नाइट में गाजियाबाद से वो निकलेगा। सो होप्स हो कि नाइट में या मे बी इन द मॉर्निंग कल हमें मिल जाएगा। सो कल का हमारा प्लानिंग है कि हम बर्लिस को अपलिफ्ट करेंगे, अपने सेट पे रखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। सो ये हमारा आज का था। एंड आज में एक और अच्छी चीज़ हुई है कि हमने जितना भी प्रोजेक्ट इस हिसाब से डिज़ाइन किया था ऑलमोस्ट अभी तक हमें कोई भी हर्डल्स नहीं आई हैं। पहला दिन है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी नहीं मिले हमें, बट हाँ अच्छा था, आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आयुष मेरे साथ था, अरविंद सर मेरे साथ थे, सो वी ऑल एंजॉयड।
और भी लोग थे हमारे साथ साइट पे, सब ने हमें एवरीवन अप्रिशिएट कि आप कुछ नया कर रहे हो. सो ऑर्नेट बेसिकली जाना जाता है कुछ नया करने के लिए. सो वी आर डूइंग न्यू थिंग्स, वी आर डूइंग इनोवेटिव थिंग्स. सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में. एंड ये हमारा डे वन का अपडेट था, एंड वी विल अपडेट यू डे बाई डे. सो थैंक्स एंड वी विद यू. थैंक यू सो मच.